हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए। आरआरसी कोलकाता का मेन डीवी केवल 8 तारीख वाला बचा हुआ है जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अगर वो रिजल्ट आ गया तो करीब करीब समझिए कि मेन डीवी ख़त्म हो चुका है। अब ब्लॉक डेट में कितने जाएंगे, एक जगह का ब्लॉक मालदा और आसनसोल का ब्लॉक डेट भी रिजल्ट आ चुका है 7/2/2013 का। अब कितने हैं कम्युनिटी वाइज फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट पास यानी क्वालिफाई और रेडी टू डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लीकेबल है। तो एनालिसिस बहुत जल्दी आपको पूरा मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे कि पूरी डाटा आ जाए, उसी के बाद बात करें। लेकिन लमसम जो डाटा है उसके हिसाब से बात करेंगे यहाँ पे ईआर का। तो कहिएगा कि कहाँ रिजल्ट आया है, तो देखिए मैंने भी डाल रखा है www.railwaylifeLP.com पे। लेटेस्ट अपडेट में आप जाएंगे तो पूरे दिन का पीटी का डिटेल है और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई पर डे हो रहे हैं, ईआर का, ईआर एसीआर का, सभी जितने भी जोन है सबका डिटेल यहाँ पे हमने www.railwaylifeLP.com पे डाल रखे हैं कि कैंडिडेट को सुविधा हो, बाद में इसकी ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों ने मेरे क्वेश्चन पूछा था कि जॉब के बारे में बताइए अपनी, तो यहाँ पर जॉब का डिटेल है मेरा। इसी पोस्ट में अगर आप देख लेंगे तो मेरा सारी डिटेल इसमें कवर किया हुआ है। और कोशिश ईमानदारी की कम से कम कैंडिडेट को पता हो जेन्युइन चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे भी जेन्युइन चीज़ें की बात करेंगे। तो अभी तक पीटी क्वालिफाई किए हैं जो थोड़ी सी पॉइंट है इसको आज बात कर लेते हैं। 7 तारीख का जो आपका लिलुआ का पीटी था उसमें 801 क्वालिफाई, 219 नॉट क्वालिफाई, 1020 लोगों ने भाग लिया है। उसके बाद मालदा और आसनसोल का जो पीटी हुआ था 7 तारीख का, ये है ब्लॉक डेट का। तो ब्लॉक डेट में कितने गए, तो मालदा में 17 क्वालिफाई हुए, 9 नॉट क्वालिफाई हुए 7 तारीख का। एक दिन और ब्लॉक है, ब्लॉक डेट है, दो दो दिन था। आसनसोल का देखेंगे तो आपका 21-26 लोग क्वालिफाई किए, 11 लोग नॉट क्वालिफाई किए ब्लॉक डेट का। एक दिन और ब्लॉक डेट है, 37 है। यानी लिलुआ की बात करेंगे तो लिलुआ में अभी तो अभी 2 दिन है। अब एक दिन 8 तारीख का मेन और 9-10 का ब्लॉक डेट का पीटी अभी बाकी है। जैसे ही पीटी समाप्त होगा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और कह सकते हैं कि ये आखिरी आरआरसी होगा जहाँ के पीटी समाप्त होना है। अब कम्युनिटी भाई देखिए, सब दिन मिक्स पीटी हो रहा था ये तो सबको पता है। 30 तारीख से जब शुरू हुआ सभी दिन सभी कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं, कोई अलग नहीं है। तो कल का क्या केस रहा यानी 7 तारीख वाला जो कहेंगे, तो 214 आपके क्वालिफाई किए हैं, 258, 22, 245 और 105, यानी टोटल कल क्वालिफाई करने वाले 844 हो गए। अगर कम्युनिटी भाई कहेंगे तो कम्युनिटी भाई टोटल क्वालिफाई, टोटल कम्युनिटी बाई क्वालिफाई कहेंगे तो 2201 यूआर से, 2795 आपके एससी से, 1535 एसटी से और 8368 ओबीसी से और 2485 ईडब्ल्यूएस से हैं। पर वैकेंसी रेशियो देखिएगा तो पर वैकेंसी यहाँ पे 0.58 गे हो गया आपका यूआर में, 1.7 एससी में, एसटी में 1.87 और आपका ओबीसी में 3.0 और आपका EWS में भी ठीक ठाक 2.29 है, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट UR में भी क्वालिफाई है। यहाँ का जो पहले कटअप गया था वो देख लीजिएगा, PT में लोग गए हैं वो तो पता ही आपको, 26,476 कैंडिडेट PT में गए थे जो PT में भाग ले रहे हैं। उसमें से क्वालिफाई की टोटल अगर संख्या कहें तो टोटल क्वालिफाई आपको तो यहाँ दिख ही रहा है कि टोटल क्वालिफाई है अभी तक 17,381 यानी 80% और 20% नॉट क्वालिफाई है। अब्सेंट का भी डाटा इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, अब्सेंट ब्लॉक डेट के बाद करेंगे। और टोटल यहाँ पर कटअप अगर देखेंगे पहले के हिसाब से तो इस बहुत हाई कटअप UR का गया था, AC का 58, ST के लिए 48, OBC का 65 और ये 50 गया था। तो ये नंबर तो बढ़ेगा ही, और मैं पहले से ही बोलते रह रहा हूँ 3 से 4, 4 से 4.5 इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये अपर साइड में है। OBC का कट ऑफ UE इस वाले कट ऑफ से ज़्यादा जाएगा, इतना तो कंसेप्ट है। बाकी कम्युनिटी का भी डाटा आता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।